आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Vivo T3 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में, अगर आपके मोबाइल फोन में वीडियो कॉल की स्क्रीन जो है वो बार बार जल्दी जल्दी ऑफ हो जाती है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको अपने फोन को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है, ठीक है। अगला काम ये करना है, आपके फोन में फाइल का ऐप होता है, इस फाइल के ऐप को ओपन करना है। इसमें आपको नीचे ऐप्स का ये ऑप्शन आपको टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर सिस्टम ऐप जो लिखा हुआ है इसे टैप करना है। अब आपको इस पेज में नीचे आकर ये एंड्रॉइड सिस्टम का ऑप्शन टैप करना है। अब इसके अगले पेज में आपको नीचे स्टोरेज एंड कैच पे टैप करना है। अब यहाँ पर आपको क्लियर कैच पे टैप करना है, तो आपका कैच के समला डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है। अब आपको बैक पेज पे जाना है। अब इसके भी बैक पेज पे जाना है, तो आपने जो एंड्रॉइड सिस्टम सिलेक्ट किया था ना, इसी में आपको नीचे एंड्रॉइड सिस्टम वेब व्यू का ये ऑप्शन टैप करना है। अब इसके अंदर भी आपको स्टोरेज एंड कैच पे टैप करना है। अब यहाँ पर भी क्लियर कैच पे टैप करना है, तो आपका कैच के समला डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है। पहले फोन का इंटरनेट चालू रखना है, इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सबसे ऊपर सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सिस्टम अपडेट आपको लिखना है। नीचे सिस्टम अपडेट का ये ऑप्शन शो होता है, इसे टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या इस तरीके का ये डाउनलोड इंस्टॉल अगर लिखा हुआ दिखाई देता है, तो इसे टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं ना, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। इसमें आपको सबसे ऊपर ये सर्च आइकन पर टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। नीचे आपको ये ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। आपका फोन डायरेक्टली आपको सेटिंग में लाएगा। इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पर टैप करेंगे तो अगले पेज में सबसे नीचे इरेज ऑल डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन का जो डेटा है ना उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रख लेना है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है ना। तो मेरे बताए हुए तरीके आप यूज करेंगे तो इससे आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है।